मुलाधार तुमचा राखीव खिलाड़ू पाठवा, दोन्ही संघाचा राखीव खिलाड़ू मुलाधार टीम राखीव खिलाड़ी पाठवा मुलाधार। सुस्वागतम, नमस्कार है आप सभी का एक बार फिर हार्दिक आदि स्वागत। परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी चषक 2019 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। भोनगुड़े गांव के प्रकाश मिराजकर नवी मुंबई 40+ के एक जाने माने समालोचक, उनका आवाज सुनते नजर आया आप, शानदार समालोचक उनके माध्यम से। मैं संडी सर और तमाम आयोजक की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, प्रकाश जी मिराजकर का, जो कीमती समय देकर आए और उनका हमें मधुर वाणी यानी उनके माध्यम से समालोचक सुनने को मिला। मैच की तरफ जाते एक नया मैच फ्रेश मैच शुरू होने आ रहा है मैदान पर आज के दिन का। मुलाधार और नाभी के बीच में ये लड़ाई चलती हुई मैदान पर, 4 ओवर का मैच। स्ट्राइक पे बैट्समैन, बैटिंग टीम तुमसे राखीव खिलाड़ी पाठवा लवकर प्लीज। नरेश भोईर यूट्यूबर लाइव दाखवते हा मैच। नाभी सर 12th मैन प्लीज या लवकर। दादा या लवकर। राजू स्ट्राइक एंड पर होंगे, दूसरे छोर पर नरेश पारी की शुरुआत करेंगे मैदान पर। 4 ओवर का मैच, ध्यान दे 4 ओवर का यह मुकाबला होगा जिसमें से पहला ओवर पावर प्ले। पहली गेंद लेकर तैयार सुनील मात्रे की ये गेंद वाइट प्लस वन, 2 रन एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ नाभी टीम का। नाभी टीम ने पहले टॉस जीता, बैटिंग करने का निर्णय लिया 4 ओवर के इस मैच में। और आप देख रहे रोज रवि जी बेटा से विनती होगा कि प्रकाश जी मिराजकर का यहाँ पर सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी मिराजकर सर। बैट्समैन आउट होते हुए इसी बीच LBW लेफ्ट बिफोर विकेट के तहत बैट्समैन आउट होते हुए राजू भगत का विकेट गिरते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी मिराजकर सर, आपका आवाज सुनने मिला। और नवी मुंबई 40+ के एक जाने माने समालोचक भोनगोड़े के, नाभी टीम बैटिंग करती हुई और स्कोर है 2 रन पे 1 विकेट। मेरे साथ स्कोरिंग की भूमिका में वंश ठाकुर जुड़ते हुए, हनुमान टीम के खिलाड़ी, आज अच्छा प्रदर्शन रहा वंश ठाकुर का और अब स्कोरिंग में हमें योगदान देते हुए, वेलकम वंश। विशाल मात्रे नए बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आएंगे बैटिंग करने के लिए, उनका साथ देते हुए नाभी टीम के कैप्टन और साथ ही साथ हाल ही में कोपरी 40+ के टीम के कैप्टन बने हैं नरेश भोईर। दूसरे छोर पर आप देख सकते हैं ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर सकते हैं बॉलिंग भी करते नजर आएंगे। दूसरी इनिंग में पहला इनिंग चला, प्लीज अंपायर मैच शुरू कर एक बार फिर। नो बॉल 1 रन, स्कोर है 3 रन, फ्री हिट अगली गेंद। विशाल मात्रे नहीं
फुल टॉस की गेंद पर ऑनसाइड की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी थोड़े से फंबल होते हुए एक रन पूरा होता हुआ दूसरे की मांग और देखते देखते दूसरा रन भी कंप्लीट। विकास मात्र के बल्ले से ये दो रन आता हुआ, दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है पांच रन। पहला ओवर चलता हुआ मैदान पर, मुकाबला चलता हुआ नाभी वर्सेस मूलाधार के बीच ये लड़ाई। दो ही गेंद अब तक फेंकी गई है, चार गेंद शेष, पावर प्ले चल रहा है। पहला ओवर फेंकते हुए गेंदबाज सुनील मात्रे, परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी चषक 2019 आप एंजॉय कर रहे हैं। और मुकाबला चलता हुआ मूलाधार वर्सेस नाभी के बीच ये लड़ाई। नाभी की टीम ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है चार ओवर के इस मैच में। विकास मात्रे के लिए गेंद बैकफुट पे आके खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद को फ्लिक करने की कोशिश, देखना है बल्ले से रन आया नहीं। गेंद जाता हुआ शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, दूसरा रन लेने का मौका ओवर थ्रो के जरिए, जहां पे होने चाहिए थे एक रन वहां पे मिलते हुए कुल दो रन। टीम का स्कोर जा पहुंचा है सात रन। एक बार फिर स्ट्राइक पे होंगे विकास मात्रे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड कॉम्बिनेशन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पे नाभी टीम बैटिंग करती हुई। ओवर की अगली गेंद सुनील मात्रे की, अच्छी गेंद, गुड लेंथ पर गेंद पिचिंग होती हुई स्किट होकर थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल। रन कितने मिलेंगे, एक रन, घोषित दिशा में एक रन जाता हुआ, एक रन के साथ टीम का स्कोर है आठ रन। जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं सभी खिलाड़ियों के ऊपर जो कैप है टोपी उसका पूरा श्रेय जाएगा राकेश बेद। चार गेंदें फेंकी गई है सामान्य राकेश जी बेद सर, टी शर्ट्स आप देख रहे हैं उसका पूरा श्रेय जाएगा जो टी शर्ट स्पॉन्सर किया गया है कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक जो गांव के हरिचंद जी बोईर। साउंड सिस्टम जो हमारे डीजे कृष्णा है, लोक प्रसिद्ध डीजे कृष्णा पूरे नवी मुंबई में, इनके माध्यम से टूर्नामेंट कैप्चर किया जाता है उसका पूरा श्रेय जाएगा आदरणीय श्याम जी पाटिल सर। फ्लिक किया है गेंद को, टाइमिंग काफी लाजवाब, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, गेंद जाता हुआ स्क्वायर लेग की तरफ, एक टप्पा खाने के बाद चार रनों के लिए फरार डीजे। सुपर हिट शॉट और सुपर हिट ये सॉन्ग यूट्यूब का राजू जी पाटिल के लिए, जो सिंगर है इस गायक के परमेश माली। ऑनसाइड की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, दो की मांग, एक बार फिर और दो रन मिल जाएगा परमेश माली के माध्यम से। ये गीत था सुपर हिट सॉन्ग प्रमोद पाटिल उफ राजू दादा पाटिल के लिए गीत। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 14 रन। नाभी की टीम बैटिंग करती हुई एक विकेट के नुकसान के बाद शानदार बैटिंग करते हुए विकास मात्रे और उनका भरपूर साथ निभाते हुए टीम के कैप्टन नरेश भोईर। पहले ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 14 रन एक विकेट के नुकसान के बाद नाभी टीम। डीजे आप सभी का एक बार फिर परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी चषक 2019 में सीजन टू दूसरा वर्ष इस प्रतियोगिता का। पिछले वर्ष भी शानदार आयोजन था और इस वर्ष दुगना और भी खूबसूरत आयोजन हम देखने को मिल रहा है। बॉलर नेम स्कोर है 14 रन। उद्घाटन समारोह आज खासतौर पर उद्घाटन समारोह में स्थानिक नगर सेविका जिनके माध्यम से कोपरी गांव में ढेर सारी यहां पर प्रगति देखने को मिली है। उषा ताई पुरुषोत्तम जी बोईर, साथ ही साथ पुरुषोत्तम जी बोईर, ज्येष्ठ समाज सेवक भागीरथ जी बोईर, स्थानक कार्य सम्राट विद्वान नगर सेवक जू गांव के हरिचंद जी बोईर और 40 प्लस के हमारे सभी खिलाड़ी उपस्थित थे उद्घाटन समारोह में। दूसरे ओवर की शुरुआत होने वाली, नए बॉलर है शाहजी भगत, बॉलिंग करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट, पहली गेंद को लेफ्ट किया, छोड़ा जाने दिया अंपायर के इशारे, तो वह लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट प्लस वन, दो रन इस गेंद पर। दो के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन पर। जिन्होंने खास तौर पर इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में कड़ी मेहनत की है, मंडप डेकोरेशन आप देख रहे हैं, जो मंडप तैयार किया गया उसका पूरा श्रेय जाएगा आदरणीय
अजय जी पाटिल सर, सुबह के समय नाश्ता का बंदोबस्त किया था, वड़ा पाव उसका पूरा श्रेय जाएगा कोपरी सेंटर। लोअर फुल टॉस की गेंद, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, माना चाहते थे ऑनसाइड की दिशा में, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन पूरा हुआ और एक ही रन मिलेगा, बैकअप मौजूद है वहां पर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 17 रन। नाभी टीम बैटिंग करते हुए मैदान पर, फील्डिंग टीम पिंक गुलाबी जर्सी में आप देख रहे हैं, फील्डिंग करते हुए टीम मूलाधार, दोनों टीमों के बीच लड़ाई चलती हुई मैदान पर। मैदान जो मैदान यहाँ पर प्रदापन दिया गया है, मैदान का पूरा श्रेय जाएगा जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, समाज सेवक साथ ही साथ कोपरी 40+ के एक हरफन मौला खिलाड़ी पुरुषोत्तम जी भोईर, जो सभी ट्रॉफी नजर आ रहा है आपको चमचमाती हुई ट्रॉफीज, उसका पूरा श्रेय जाएगा। और साथ ही साथ बॉल जिन्होंने स्पॉन्सर किया, हमें योगदान दिया है हेमंत जी मात्रे, जो बैनर नजर आ रहा है माता जी का बैनर और तमाम बैनर हमें नजर आ रहा है उसका पूरा श्रेय जाएगा चंदन जी सिंह। पहला पुरस्कार जो पुरुषों का पहला पुरस्कार है उसका प्राइज है 7000, उसका पूरा श्रेय जाएगा किशन जी घरत शेलघर के। हमारा दूसरा जो युवा टीम है उसका प्रथम पारितोषिक यानी पहला पुरस्कार 5000, उसका पूरा श्रेय जाएगा सोलस्कर साहेब। युवाओं का दूसरा पुरस्कार 5000 है जो, उसका पूरा श्रेय जाएगा लीना ताई जी मात्रे का। लीना ताई को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनके माध्यम से पुरस्कार रखा गया है। सेकेंड प्राइज युवाओं का पहला पुरस्कार 7000 किशन जी घरत की तरफ से दिया गया है, शेलघर के हमारे आदरणीय किशन जी घरत। महिला पहला पुरस्कार 3000 है, उसका पूरा श्रेय जाएगा हनुमान जी कंसे। और जो हमारी लेडीज टीम है उसका पहला पुरस्कार जो 3000 रखा गया उसका पूरा श्रेय जाएगा श्री कुंदे ताई जो पेन की रहने वाली है। इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने सहयोग दिया है गति में परिवर्तन, अच्छी गेंद, इस बीच फुल लेंथ डिलीवरी थी, ऑन साइड की दिशा में मारने का कोशिश था, अक्रॉस द बैट खेलने का कोशिश, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक खेलने का प्रयास असफल ठहरता हुआ। स्कोर है 17-17 रन। आदरणीय अभय आमलेकर सर हमारे बीच उपस्थित है जिन्होंने बुके का योगदान दिया है। अभय सर आइए, आपका स्वागत है। अभय आमलेकर सर वेलकम। वीरेंद्र कुंगा आप स्टेज पर आए। चार गेंदे फेंकी गई, दो गेंदे शेष इस ओवर में, स्कोर है 19। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, बैकफुट पे आगे खेलने का प्रयास असफल ठहरते हुआ, डॉट बॉल ओवर की पांचवी गेंद, डॉट बॉल। अभय आमलेकर सर आइए, आपका स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम स्टेज पर। फुल टॉस की गेंद पर अच्छा स्ट्रोक, ऑन साइड की दिशा में गेंद जाती हुई गैप में, गेंद हवे में जरूर थी लेकिन मिल जाएगा यहां पर चौका। ओवर की आखिरी गेंद पर विकास मात्रे के बल्ले से चौका आता हुआ, चौके के साथ टीम का स्कोर है दो ओवर के खेल के बाद 23 रन। डीजे अभय जी आमलेकर सर आपका स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम। रवि जी बेटा सर की शुभातों से ये पुरस्कार उनको यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है बुके देकर, वेलकम सर आपका स्वागत है। परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी चषक में आपका दिल की गहराइयों के साथ वेलकम, सुस्वागतम। जितने भी मेहमान हमारे मंच पर उपस्थित आप सभी का स्वागत है, जितने भी हमारी माताएं बहनें आए आप सभी का स्वागत है, हमारी महिला टीम जेंट्स टीम सभी टीम यहां पर आज उपस्थित है, लेडीज टीम का भी मैच खेला गया, छोटे बच्चों का भी मैच खेला गया आज परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी चषक 2019 में। फिलहाल मुकाबला चलता हुआ मूलाधार वर्सेस नाभी के बीच, नाभी की टीम बैटिंग करती हुई दो ओवर के खेल के बाद, टीम का स्कोर है 23। तीसरे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी करने आए हैं लेफ्ट आर्म आउट, मिस फील्डिंग हुआ और उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ 4 रन के रूप में, एक और चौका तीसरे ओवर की पहली गेंद पर नरेश भोईर के बल्ले से, स्कोर है 27।
डीजे या देव मजे मसोबा मसोबा पाऊन हो साला देव मजे मसोबा मसोबा पाऊन हो साला स्कोर 27 नरेश भोईर के बल्ले से चौका आता हुआ कवर की दिशा में ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है काउ कॉर्नर की दिशा में एक अफलातून स्ट्रोक आता हुआ देखना है छह या चार एक टप्पा खाने के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ चार रन के रूप में नरेश भोईर इज सेट ऑन फायर कमाल की बैटिंग करते हुए स्कोर है 31 टीम का नाभी टीम डीजे बॉलर नेम बॉलर का नाम सांगा एक और अच्छी गेंद लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद जाता हुआ ट्रैवल होकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पीछे खिलाड़ी मौजूद फंबल हुए एक रन पूरा देखते देखते दूसरा रन भी कंप्लीट तीसरे की मांग थी नरेश भोईर की लेकिन दो ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा टीम के कैप्टन है कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान और अपनी टीम के लिए कप्तान पारी खेलते हुए अपने मैदान पर होम ग्राउंड उनका बैकफुट पे आके खेला हुआ स्ट्रोक इस बार स्ट्रेल की तरफ एक बार फिर गेंद है गैप में लगातार गैप ढूंढते हुए चौका प्राप्त करते हुए ये तीसरा चौका उनके बल्ले से हैट्रिक लगता हुआ चौकों का और टीम का स्कोर नाभी का जा पहुंचा है 35 रन पर 37 स्कोर बढ़ता हुआ 38 पर व्हाइट का इशारा था अंपायर का 33 रन के बाद एक चौका लगाया नरेश भोईर ने तीन गेंदों पे तीन चौका उन्होंने लगाया हैट्रिक चौकों का इससे पहले पांच गेंदों पे पांच चौके लगाए थे पिछले मैच में राकेश ने ओवर की अगली गेंद शॉर्ट बॉल और एक और अच्छा कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ अंपायर का निर्णय देखना है कितना होता है छह रन का इशारा आता हुआ एक और खूबसूरत सिक्सर आता हुआ बैट्समैन के बल्ले से लाजवाब पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए कैप्टन कप्तान टीम का टोटल स्कोर ही सिक्स की मदद से जा पहुंचा है 44 आखिरी गेंद टीम के कैप्टन और कैप्टन कमाल की पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए कैप्टन नरेश भोईर नाभी टीम के टीम का टोटल स्कोर है 44 38 के बाद एक चौक सिक्सर आता हुआ छह गेंदों पे 21 रनों की अफलातून इनिंग अपने टीम के लिए प्रस्तुत करते हुए खेलते हुए अभी भी मैदान पर नाबाद पारी ओवर की अगली गेंद आखिरी गेंद पर भी अच्छा स्ट्रोक यहां पर कट किया है गेंद को गेंद जाता हुआ कवर के क्षेत्र में डाइव लगाया कोशिश अच्छी वहां पर फील्डर की लेकिन गेंद ने मारी बाजी चौका मिलेगा यहां पर स्वीपर की दिशा में चौके के साथ ओवर की समाप्ति दो तीन ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 48 48 रन नाभी का 48 डीजे मैच शुरू करा प्रत अंपायर मैच चालू करे प्लीज जल्द से जल्द तीन ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए नाभी का स्कोर है 48 48 रन पिछले ओवर में 25 रन आया महंगा ओवर
इसलिए क्रिकेट में कहते कई ओवर किफायती होते तो कई ओवर शिकायती होते। पिछला ओवर काफी महंगा गया, 25 रन आए उस ओवर में, मेरे स्कोरर वंश ठाकुर बता रहे, जिसमें से 4 4, 1 6, 2 रन और 1 वाइड, कुल मिलाकर 25 रन उस ओवर में अर्जित किया यहाँ पर बैटिंग टीम नाभी की टीम ने। और लाजवाब बैटिंग करते हुए नाभी के दोनों बल्लेबाज, एक तरफ लेफ्ट हैंड बैट्समैन आप देख सकते हैं विकास मात्रे, उनका अच्छा साथ देते हुए कप्तान टीम के नरेश भोईर, उनतीस रन में बैटिंग कर रहे हैं नरेश, स्क्वायर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, इस बीच गेंद जाता हुआ गैप में, ये भी शायद चौका मिलेगा बिल्कुल, विकास मात्रे के बल्ले से आता हुआ लेफ्ट हैंड बैट्समैन के बल्ले से एक और चौका स्क्वायर की तरफ, चौके की मदद से अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम का, 50 रन पूरे होते हुए 52, 52 रन टीम का स्कोर। एक ही विकेट गिरा है, 9 विकेट हाथ में, अभी भी टीम का स्कोर है 52। ये इनिंग का आखिरी ओवर है, जयसवाल बॉलिंग कर रहे हैं, 5 गेंदे शेष अभी भी इस ओवर में, स्कोर है 52। 25 रन में बैटिंग कर रहे नरेश, उनका बखूबी साथ निभाते हुए बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन विकास मात्रे, इस बार डॉट बॉल फ्लाइट दिया था गेंद को, गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई डॉट बॉल, ओवर की अगली गेंद बैकफुट पे आके खेला हुआ स्ट्रोक, इस बीच रन कितने मिलेंगे देखना काफी महत्वपूर्ण, एक ही रन मिलेगा वहां पर, गेंद जाता हुआ डी जोन में घोसी दिशा में, अब तक गेंदें फेंकी गई है कुल इस ओवर में 3, 2 रन का इशारा था अंपायर का, 54 टीम का स्कोर। सर्कल के बाहर अगर गेंद डी जोन में जा रही है तो 2 रन है, सर्कल के अंदर अगर गेंद डी जोन में जा रही है तो 1 रन है, 2 रन इस गेंद पर, 54 टीम का स्कोर। एक और धीमी गति गेंद शॉर्ट बॉल था और बैकफुट पे शॉर्ट आर्म पुल किया है, रन कितने मिलेंगे देखना काफी महत्वपूर्ण, अंपायर के इशारा था 2 रन एक बार फिर, यानी पिछली 2 गेंदों पर 2 रन, 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 56, 56 रन स्कोर है 56। विकास मात्रे के बल्ले से आता हुआ है 2 रन आखिरी ओवर फेंकते हुए जयसवाल, इनिंग का आखिरी ओवर, 4 ओवर का मैच, बैटिंग करती हुई टीम नाभी, टॉस जीतकर कप्तान नरेश भोईर खेल रहे 25 रन पर। इस बार ये गेंद अंपायर का निर्णय जरूर आएगा, नो बॉल, फ्रीड की गेंद, 57 टीम का स्कोर, फ्रीड की गेंद है यहां पर, अच्छा स्ट्रोक यहां पर बल्ले के बीचों बीच, गेंद जाता हुआ आउट ऑफ द पार्क मैक्सिमम, स्कोर है 63। फ्री हिट की गेंद पर एक बड़ा हिट, बैट्समैन के बल्ले से आता हुआ शॉर्ट बॉल था और काफी समय मिला बैट्समैन को, बैकफुट पे गए, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा, और उसके बाद खेला हुआ एक समझदारी भरा स्ट्रोक, स्क्वायर लेग के ऊपर से एक सिक्सर आता हुआ, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच में से खेला हुआ स्ट्रोक, 6 रन, स्कोर है 63। एक बार फिर गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद थी जयसवाल की, 1 रन लेने का मौका यहां पर, 1 रन, और इसी के साथ इनिंग की समाप्ति होती हुई, 4 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 64 और टारगेट है 65, 65 रन, गेंदें होंगी 24, 24 बॉल में 65 रन बनाना है।
थैंक यू सो मच डीजे कृष्णा, शानदार गीत यहाँ पर उनके माध्यम सुनने को मिलता है। नवी मुंबई के एक जाने माने डीजे, हमारा साउंड सिस्टम डीजे कृष्णा। पहली इनिंग की समाप्ति होती हुई, पहली इनिंग के बाद टारगेट है 65 रन, और बैटिंग करते हुए नरेश भोईर ने 7 गेंदों में 25 रनों की धुआंधार पारी खेली और उनका बखूबी साथ निभाया। 15 गेंदों में 31 रनों का एक अफलातून इनिंग, विस्फोटक पारी विशाल मात्रे ने खेली जिसकी वजह से टीम ने स्कोर खड़ा किया 64, टारगेट है 65। दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और दूसरी इनिंग जैसे शुरू होगी कॉमेंट्री बॉक्स में फिर बदल होता हुआ बैट्समैन पाठावा लवकर लवकर। टीम मुलाधार टीम तुमसा ओपनिंग पैर पाठावा लवकर लवकर मैदान। नवी मुंबई 40+ के एक शानदार समालोचक, साथ ही साथ पावने गांव के दिग्गज खिलाड़ी रमाकांत पाटिल हरिओम, हरिओम सर आएंगे आपको ये मैच में मराठी में समालोचक करते नजर आएंगे। हेलो, पंच म्हणून संदीप ठाकूर, तर सँडी असे अनुभवी पंच या सामन्याकरता लाभलेले आहेत। तर नाभी संघाने 65 धावांचं आव्हान ठेवले ते मुलाधार संघासमोर, तर बघूया मुलाधारचा राखीव खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। मुलाधार संघाचा राखीव खेळाडू नाभी आणि मुलाधार दोन्ही संघाचा राखीव खेळाडू कृपया समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। तर फलंदाजी करता आलाय तो सुनील मात्रे आणि विनय मुकादम, स्ट्राईकला आहे तो सुनील मात्रे, नॉन स्ट्राईकला आहे तो विनय मुकादम। तर बघूया पहिले षटक कोण घेऊन येतोय तो नाभी संघाकडून। चांगली फलंदाजी केली होती नरेश याने, स्वतः कप्तान आहेत ते, अनुभवी असा खेळाडू, दोन्ही संघाचे 12वा खेळाडू कृपया समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचं आहे। तर सामन्याला सुरुवात होताना बॉलर्स नेम धीरज, धीरज, धीरज। तर पहिला षटक घेऊन आलाय तो धीरज सामोर जातोय तो सुनील मात्रे। पहिला चेंडू पडतोय, वाईट बॉलचा इशारा होतोय पंच सँडी यांच्याकडून, अनुभवी असे पंच म्हणून लाभलेले आहेत ते आम्हाला सँडी आणि संदीप ठाकूर। तर पहिलं षटक घेऊन आलाय तो धीरज आणि आता मात्र ऑप्शन तटवले मला वाटतं डिक्लेअरच्या स्वरूपात। नो बॉल, नो प्लस वन, दोन धावा ना, नो प्लस वन दोन धावा, ओके। धावसंख्या 3, अजूनपर्यंत एकही चेंडू झालेला नाही आणि फ्री हिटचा सिग्नल येतोय पंचांकडून।
पुढे येऊन सरसावून मला पटका बघूया. उचुंग उतुंग असा षटकार टोकतोय तो सुनील म्हात्रे. पुढे येऊन सरसावून मारला होता पटका आणि षटकाराचा सिग्नल मिळतोय आम्हाला पंचांकडून. धावसंख्या 6 ने वाढते. धन्यवाद डीजे. तर उतुंग असा षटकार ठोकला होता सुनील म्हात्रे यांनी. पुढे येऊन सरसावून मारला फटका. चांगलाच फटका म्हणावा लागेल. बघूया. आणि आता मात्र वाईट बॉलचा इशारा होते पंचांकडून. धावसंख्या 10 वर पोचते. एक चेंडू झालेला आहे. धीरे त्याचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सुनील म्हात्रेसाठी. आणि पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने चेंडू टाकतोय. वाईट बॉलचा इशारा होत आहे. बॅक टू बॅक दोन वाईट बॉल टाकताना दिसतात ते. नरेश भोईर काहीतरी त्यांना कानमंत्र देताना धीरज यांना, कारण लगातार दोन वाईट बॉल टाकतात ते. थोडस गोलंदाजीमध्ये बदल करावा लागेल गोलंदाजाला. बघूया धीरज याचा पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा धडाकेबाजचा फलंदाज सुनील म्हात्रे. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने चेंडू टाकतोय. पुन्हा एकदा वाईट बॉलचा इशारा होतोय. लगातार तीन चेंडू वाईट टाकतात ते. धीरज काहीस त्यांना टप्पा अजून समजून येत नाही. अनाहत आणि सहस्त्रार या दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण टॉस करता यायचं आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार अनाहत आणि सहस्त्रार. तर धीरज याचा पुढचा चेंडू सामोर जाते तो सुनील म्हात्रे. आणि लेग चेसन थटवले परंतु डिक्लेअरमध्ये एकच धाव मिळेल तिथे. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या पोचते 13 वर. पहिलं षटक प्रगतीपथावर थोडस मागडं षटक जातोय धीरज याचं. धीरजाचे दोनच चेंडू झालेले क्षेत्रक्षणामध्ये बदल करताना नरेश भैर स्वतः. आणि आता मात्र थोडासा चांगला चेंडू टाकलाय. थोडासा सूर गवसले म्हणावं लागेल धीरज याला. धीरज याचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सुनील म्हात्रे तयार. आणि आता मात्र चांगला चेंडू परंतु त्याच पद्धतीने खेळून काढला. थोडं गच्चाचं क्षेत्ररक्षण होतंय त्याचा फायदा घेताना दिसतात दोन्ही फलंदाज. दोन धावा चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. धावसंख्या पोचते 15 वर. या षटकातील दोन चेंडू शिल्लक असतील. तर धीरज याचा पुढचा चेंडू विनय मुकादम याला. आणि आता मात्र निर्धाव चेंडू जातोय. चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. शेवटचा चेंडू घेऊन आलाय तो धीरज. सामोर जातोय तो विनय मुकादम. अच्छा सुनील म्हात्रे. सुनील म्हात्रे. आणि आता मात्र ऑप्शन तटवलं आणि चांगला झेल टिपतोय तो. बाद होतोय सुनील म्हात्रे. सुनील म्हात्रे यांनी एक षटकारानिशी 9 धावा पिटल्या होत्या परंतु चांगला झेल टिपला आणि सुनील म्हात्रे याची खेळी संपुष्टात येते. डीजे डीजे
works. चला घाई करा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते 15 वर. सुनील म्हात्रे याची खेळी संपुष्टात येते. चांगली खेळी करताना दिसत होता तो. षटकार मारला होता, चांगली खेळी करत होता. मोठा हादरा बसलोय तो मुलाधार संघाला आणि त्याची आता सुनील म्हात्रे याची जागा भरून काढण्यासाठी आलाय तो. आता मात्र शहाजी भगत स्ट्राईकला येतो. विनय मुकादम तर दुसरं षटक घेऊन आलाय तो किरीट मडवी. थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताना नरेश भोईर. तर दुसरं षटक घेऊन आलाय तो किरीट मडवी. तर त्याला सामोरं जातोय तो विनय मुकादम. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आणि उंची दिलेला चेंडू होता एकत्र डिक्लरच्या स्वरूपात. डिक्लरच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. अनाहत व सहस्र संघाला विनंती आहे की आपण टॉससाठी यायचं आहे. सहस्रार संघ अनाथ आणि आता मात्र ऑप्शन तटवले. बघूया काय होते. पुन्हा एकदा झेल होता परंतु असफल असा प्रयत्न होताना दिसते. झेल सुटतोय. धावसंख्या एकने वाढते. धावसंख्या पोचते 17 वर. गोलंदाज किरीट मडवी ऍक्शन दाखवताना दिसतात. किरीट मामा एक अनुभवी असे गोलंदाज. ओ चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू जातोय. आमच्याबरोबर रोज प्रॅक्टिस करायला असतात ते किरीट मामा. चांगली गोलंदाजी करतात. बघूया काय चुणूक दाखवतात आपल्या गोलंदाजीमध्ये ते. कारण याच्या अगोदरचं जे षटक पडलं होतं थोडंसं महागडं पडलं होतं. किरीट मडवी यांचा पुढचा चेंडू आणि आता मात्र चांगलंच टोलावलंय. बघूया काय होते तिथे. क्षेत्ररक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. एकच धाव मिळेल तिथे. धावसंख्या एकने वाढते. धावसंख्या पोहोचते 18 वर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर घेऊन आलाय तो किरीट मडवी. आता मात्र समोर जातोय तो विनय मुकादम. हो चांगला चेंडू, काहीसा समजला नाही फलंदाजाला. विनय मुकादमला काहीसं समजलं नाही. उंचावर मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु निर्धाव चेंडू जातोय. माफ करा, व्हाईटचा इशारा होते पंचांकडून. धावसंख्या पोचते 19 वर. या षटकातील दोन चेंडू शिल्लक असतील. किरीट मडवी पुन्हा एकदा लेगच्या खूपच बाहेरचा चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा होतोय. धावसंख्या एकने वाढते. धावसंख्या पोहोचते 20 वर. मामाचा पुढचा चेंडू. आता मात्र टोलावलाय. बघूया उंची दिलेला चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि काय कोणतीही चूक करत नाही. चांगला झेल टिपतोय तो आणि आता मात्र विनय मुकादम यांची खेळी संपुष्टात येते. मोठा हादरा बसतोय तो मुलाधार संघाला.
आणि याच्यानंतर होणारा होणारा सामना अनाहत आणि सहस्रार, तर सहस्रार संघाने नाणेफेक जिंकून धन्यवाद डीजे. तर सहस्रार संघाने फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. याच्यानंतर होणारा सामना अनाथ आणि सहस्रार, तर सहस्रार संघाने नाणेफेकचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली. तर आता आलाय तो स्ट्राईकला येतो शाजी भगत. पुन्हा एकदा वाईट बॉलचा इशारा ते पंचांकडून. धावसंख्या 21 वर पोहोचते. या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. किरीट मामा जरासा आणि आता चांगला टोलवला आणि चांगलं शत्ररक्षण होता तिथे तिथे चौका अडवतोय. एक धाव पूर्ण केलेली पर चांगलं शत्ररक्षण होताना दिसतंय. चौका अडवला, एकच धाव मिळेल तिथे. दुसरं षटक संपतोय. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचते ती 22 वर. बघूया आता तिसरं षटक कोण घेऊन येते तो. डीजे प्लीज. तिसरं षटक घेऊन आलोय तो नरेश बोईर. एक अनुभवी असं गोलंदाज. 12 चेंडू मध्ये 43 धावांची गरज असेल. 12 चेंडू 43 धावा. नरेश भोईर. तर सामोर जातोय तो महादेव पाटील. शाजी भगत. चांगला चेंडू आणि आता मात्र लेग बिफोर बाद होतोय तो शाजी भगत. पहिल्याच चेंडूवर नरेश भोईर यांचा चांगला चेंडू आणि लेग बिफोर बाद. डीजे संगीत नाचायला लावलं खेळाडूंना. कोण मामाच का मामा किरीट मामा चांगला डान्स करतोय आमचा मामा. तर बघूया नरेश भोईर चांगली गोलंदाजी. इच्छून गोलंदाजी नरेश भोईर यांची. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉक हॉल पद्धतीने चेंडू टाकला होता. काहीच समजलं नाही फलंदाजाला. निर्धाव चेंडू जातोय. चांगली गोलंदाजी नरेश भोईर यांच्या माध्यमातून. दहा चेंडू 43 धावा. नरेश भोईर यांचा पुढचा चेंडू हलवार पद्धतीने चेंडू टाकला होता परंतु लेगच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न असफल. असा प्रयत्न. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जातोय. बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव. पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतला होता आणि लगातार 2 चेंडू निर्धाव टाकतोय. म्हणजे लगातार 3 चेंडू निर्धाव झाले. इकडे येतो वास्कर याने लेगच्या तटवल्या. बघूया परंतु गचालाचं क्षेत्ररक्षण होते. त्याचा फायदा घेतात दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या 2 ने वाढते. धावसंख्या पोचते 24 वर. 9 चेंडू
41 धावा षटकाराची आतषबाजी करावी लागेल मुलाधार संघाला 9 चेंडू 41 धावा माफ करा 8 चेंडू 41 धावा नरेश भोईर याचा पुढचा चेंडू आणि आता मात्र उंचावर मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु झेल होतोय चांगला झेल टिपतोय तिथे प्रेमनाथ पाटील बाद होतोय धन्यवाद डीजे मामा काय फिरकतात गाण्यावर धन्यवाद द्यायला लागला डीजेला डीजे कृष्णा कुणाल जयस्वाल बघूया काय कामगिरी करतात आपल्या संघाकरता कारण मोठं आव्हान आहे आपल्या संघासमोर नरेश भोईर सारखा अनुभवी असा गोलंदाज चांगला चेंडू परंतु त्यात पद्धतीने खेळून काढला एक धाव काय रोखू शकले नाहीत धावसंख्या एकने वाढते षटक संपतोय तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते 25 वर डीजे प्लीज कृष्णा गोलंदाज प्रेमनाथ पाटील गोलंदाज कोण ओ प्रेमनाथ पाटील काहीसे अडखळले आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये आणि खाली पडले काय मारबीर लागला नाही ना डॉक्टरला पाठवून देतो नाही तर प्रेमनाथ पाटील चौथा ना चौथा षटक घेऊन आलो तू प्रेमनाथ पाटील प्रेमनाथच आहे ऐकलाय तो पण प्रेमनाथ आहे का तो आता स्ट्राइकला जयस्वाल आहे तर प्रेमनाथ याच्या प्रेमनाथला सामोर जाते तो कुणाल जयस्वाल उंचापूर असा फलंदाज दिसतोय कुणाल जयस्वाल बघूया परंतु काही चुनूक दाखवत नाहीत ते कुणाल जयस्वाल तीन चेंडू 39 प्रेमनाथ पाटील यांचा पुढचा चेंडू आता मात्र लेगच्या दिशेने तटवलाय बघूया काय होतंय तिथे शतरक्षक अडवतोय शतरक्षक आडवेपर्यंत एक धाव पूर्ण केली एक धाव काय अडवू शक रोखू शकले नाहीत धावसंख्या एकने वाढते धावसंख्या पोहोचते 28 या षटकातील दोन चेंडू शिल्लक असतील आणि आता मात्र मला वाटते नाभी संघ खालून मारलेला फटका बघूया चांगलं क्षेत्ररक्षण होते तिथे आणि हा मात्र रनआउट बाद सिग्नल मिळत नाही आम्हाला अंपायरकडून नाही रनआउट नाही शेवट चेंडू या षटकातील आणि सामन्यातील शेवटचा चेंडू असेल मामा जवळ गेलेत आणि आता मात्र चांगला फटका मारलेला लेगच्या आणि चौकार
मामा वाह चांगलीच करमणूक करताना दिसतात ते मामा. या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच नरेश भोईर, सात चेंडू.